बाल क्यों छोटे कर रहे हो मुझे भाई की तरह जो मैं चाह रहा हूँ। ये स्टाइल है, ये वो काला कर दोगे आप मेरे को? इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरा साग भैंसे खा गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन से, और टेरेस गार्डन से मैं आज कोई सब्जियाँ वब्जियाँ नहीं निकालने वाली हूँ। प्लांट्स में देने आई थी पानी, और मुझे ना टेरेस गार्डन में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जियाँ देखिए कितनी मस्त मस्त लग रही है। अभी आपको बैक कैमरा से थोड़ा सा दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट, अभी फटाफट से नीचे जाके बना के आज हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल, क्योंकि मैंने ना कलर किया था अपने घर में, मतलब कमरों में ही किया था, तो एक रूम जो है वो बचा था, हस्बैंड के लिए छोड़ा था, लेकिन हस्बैंड को भाई टाइम नहीं लगता है, एक दो दिन के लिए आते हैं तो बाकी के काम सारे हो जाते हैं, और उसमें उस वाले रूम में टाइम ही नहीं लगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं और बेटा जो है वह दोनों मिलके कर लेंगे, सिर्फ एक ही रूम मुझे करना है, बाकी मैं देखती हूँ फिर कहाँ तक जो है वो होता है कलर। फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे मार्केट कलर लेने के लिए, थोड़ा सा कलर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा हुआ भी है, तो आप जो है वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसा कलर हम दोनों माँ बेटा करते हैं साथ में मिलके, क्योंकि भाई हम स्पेशल तो कलर पेंटर तो नहीं है, पर चलो ठीक है देखते हैं, पिछली बार वैसे हमने अच्छा कर लिया था। ठीक है, तो चलो चलती हैं, आपको मैं थोड़ा सा अपना टेरेस गार्डन दिखा देती हूँ। और भाई 4-5 दिन तो ना बहुत अच्छा वीडियो में रिस्पॉन्स रहा, और फिर 2 दिन से जब से मेरा वो कॉपीराइट आया ना, तब से मेरी जो वीडियो है फिर से कुछ खास नहीं चल रही। तो भाई इस वीडियो को फटाफट से पूरा देखना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगी है ये काली काली मिर्चियाँ, और यहाँ पे लगे हैं ये पर्पल बैंगन निकलते रहते हैं, उस वाले पेड़ में भी देखिए कितने अच्छे लगे हैं। यहाँ पे ये पपाया का पौधा भी बहुत बड़ा हो गया, और ये ब्रोकली मैंने आपको दिखाई थी, हो तो अच्छी रही है, पर इसमें ना साइडों से जो ब्रांच निकलने लग गई, लगता है अब इसका मुझे साग ही बनाना पड़ेगा। ये भी मिर्ची का है। तो यहाँ पे ये देखिए ये है धनिया। ठीक है, फिर कितनी तारीख है, अक्टूबर की देखना पड़ेगा, 8 तारीख है, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तोरियां लगी, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज्यादा भुलक्कड़। और यहाँ पे लगी है भिंडी, ये तो अभी सब्जी लग रही है, तो फिर मैं निकालती नहीं हूँ सारा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है लुक अपने किचन गार्डन का भी दिखा, इस तरह से आजकल मेरे किचन गार्डन में कुछ इस तरह से दिखी। और कल लाई थी यहाँ पे बहुत सारी भैंसे, तो साइड वाला जो सारा साग है ना वो खा गई, वो खाड़ के ले गई। यहाँ पे गोभी के कुछ प्लांट लगे थे, उनको भी ले गई। चलो तो अब किचन में चलते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं परांठे, साथ में बनी है चाय। तो देखिए हम सिर्फ 2 जने तो इतने ही परांठे मैं बनाती हूँ, और साथ में बना है खीरे का रायता। और मैंने बना रखा है अपने घर में एक रूल कि खाती बार कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, यहाँ तक मैं खुद भी नहीं करती हूँ, तो पहले मैंने इससे फ़ोन बंद करवाया। गुड बॉय, हाँ अच्छा है ना। अब परांठे का रिव्यू दे दे, कैसा बने हैं परांठे? नमक कम है। अच्छा, सुपर से भी ऊपर। नौटंकी, इनको खाना दिया था और क्या? तू खा रहा तो ये देख रही है, मांग रही है, देख ले। तो जी अभी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, मैं और पार्थ। हो परफ्यूम लगा के, हेलो बच्चे ना आजकल। देखिए उस वाले रूम में हो गया था पेंट, और अभी इस वाले रूम में आज हम करेंगे, हम आज सोचे कि कर लेते हैं ना। चलो, बाल नहीं बनाएगा ये? ठीक है यार, एमी पता क्या बोल रहा था, मैसी हेयर्स बोलते हैं इनको, मैसी हेयर नहीं, एमी पता क्या बोल रहा था जब वो गया ना बाल कटवाने, तो बोलता है मुझे भाई की तरह ना झाड़ रखवाने हैं, मेरे बाल क्यों छोटे कर रहे हो मुझे भाई की तरह जो है झाड़ रखवाने। झाड़ नहीं, उसे बोलता ना झाड़ नहीं, इतने हेयर स्टाइल है, हेयर वो तो तेरे सामने बोला ना, वहां पे तो उसने ऐसे बोला था कि भाई की तरह झाड़ मुझे रखवाने, मेरे बाल छोटे क्यों कर दिए, पता रोने लग गया था वहां पे। अरे रे बेचारा, चलो कोई बात, मैं लेके जाऊंगा उसको बाल कटाने के लिए। इसके झाड़ देखो, भूख लगी, काला कर दोगे आप मेरे को? काला कर दूंगी। अच्छा, वैसे नहीं जाता तू धूप में? नींद आ रही है। जा भाई तेरे ऑटो में ना जाएंगे, पहले से फुल है वो, तो तो जी यहाँ पे मुझे लेना था लाइनिंग के लिए कपड़ा, तो इधर मैंने सोचा तो लाइनिंग का कपड़ा भी ले ही लूँ, और उसके बाद फिर हम चल गए थे
पेंट की शॉप पे, तो पेंट हमने यहाँ से लिया। तो जी पेंट की पूरी तैयारी तो देखिए हमारी अब हो गई, और इधर देखो क्या हो रहा है। इसको बोल रही हूँ मैं बेड खाली कर, तो आते ही थक के सो गया। हेलो हेलो मिस्टर राणा, सोने दो, देखना अभी तो ये बातें कर रहा था झूठा मुठ्ठा। तो चलो पहले ये बेड खाली करना पड़ेगा। ये देखिए खलारा भी यहाँ पे बहुत मचा हुआ है। मैं बेड नहीं कमरे की मैं हालत आपको दिखा देती हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। और अब मैं फिर पेंट करने के बाद इस कमरे का लुक फिर से आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो जी अभी हमारा हो रहा है लंच टाइम, और पार्थ ने बनाई है, पता नहीं क्या बनाया है इसने, और जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि स्पाइसी बनाता है ये, बहुत ज़्यादा स्वाद बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। पसंद नहीं है क्या होता है? ये पूरा जो कोट है ना, एक सिंगल कोट ये पूरा मैंने किया है, अब दूसरा कोट करेगा ये। मैंने भी किया है आधा, थोड़ा सा किया। चल कोई नहीं, तूने भी किया, अभी सारा तूने करना ना, पक्का डन। ये क्या लगाता है, क्या फैक्ट है? ये ऐसे देखता है, एलियंस है कि नहीं बताओ गाइस, एलियंस है कि नहीं? एलियंस है, कहाँ है? स्पेस में है एलियंस, पता नहीं भाई। तो दिमाग लगा सोचो, अगर हमारे जैसा कोई है, हम हैं, हमारे जैसा भी तो कोई होगा कहीं दूर, कोई अर्थ होगी, पता नहीं मेरे को, हमारे लिए तो वो एलियंस ही हुए ना। सारा हमने ना इससे रखा हुआ है बेड, गद्दे वद्दे कोई यहाँ पे भी छाए हैं, ऐसे ही पूरा घर फैला हुआ है। इस वाले रूम में ना ऐसे थे डबल, यहाँ पे लगे हैं डबल बेड, और ये इसीलिए मेरे को झंझट लग रहा था। अरे हट ना, ये पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है। और अब तो जी पेंट हमने पूरा कर लिया है, और अब इस हॉल में ये वाइट कलर का, पिछली बार की कोटिंग एक रह गई थी तो मैं यही कर रही थी, वहाँ साथ में मैंने फ़ैन वगैरह भी साफ कर दिए। तो ये है फाइनल लुक, तो पूरा जो है कलर ही हमने चेंज कर दिया, पहले और ग्रीन कलर था तो अब हमने कर लिया इसमें क्रीम कलर, जो कि अच्छा लग रहा है। तो बस ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हालत जो है वो हो चुकी है पूरी ख़राब, हम दोनों फ्री हुए हैं। तो पार्थ की तो बज गई आज बैंड, थक गया, चलो अब सोना ही है, सुबह को ठीक हो जाएगा। तो जी पूरा पेंट वेंट करने के बाद हम दोनों की हालत हो गई है ख़राब, और अब सिंपल सा कुछ बनाऊंगी किचन में जाके। तो इस तरह से हमने ये पूरा पेंट किया है, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लास्ट तक हमारा ये ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।